आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यह प्रश्न दे रखा कि निम्न में से कौन सा मूल कण जिसकी उपसंरचना नहीं होती। ठीक है बच्चों, कौन सा ऐसा मूल कण है जिसकी उपसंरचना नहीं होती। पहला विकल्प दे रखा है प्रोटॉन, दूसरा दे रखा है न्यूट्रॉन, तीसरा दे रखा है इलेक्ट्रॉन और चौथा दे रखा है हमें बच्चों न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो देखो इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने वाले हैं, उसको बोलते हैं बच्चों क्वार्क कण। क्या बोला जाता है बच्चों? क्वार्क कण। ठीक है, अब ये क्वार्क कण क्या होता है, ये किस प्रकार संरचना करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके लिए हम देखते हैं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों हमारे, उनका निर्माण, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण क्वार्क कणों द्वारा होता है। ठीक है, जो कि आवेश और द्रव्यमान के मूलभूत आधारभूत कण है। जो क्वार्क कण होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं कि जो द्रव्यमान और आवेश के मूलभूत कण होते हैं। अब देखो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, प्रत्येक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो निर्माण होता है बच्चों वो तीन क्वार्क कणों द्वारा होता है। कितने कणों द्वारा? तीन क्वार्क कणों द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, जैसे ये हमारे पास में प्रोटॉन की संरचना है, ये है बच्चों क्वार्क कण, ये है अप क्वार्क कण, यू लिखा हुआ है तो ये अप क्वार्क कण है, ये भी अप क्वार्क कण है और ये डी लिखा हुआ है तो ये डाउन क्वार्क कण होते हैं बच्चों। तो क्वार्क कण क्या होते हैं? अप डाउन स्पिन, ठीक है, ऐसे क्वार्क कण होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का निर्माण बच्चों तीन क्वार्क कणों द्वारा होता है, तो प्रोटॉन के पास में हमेशा क्या होता है? प्लस एक आवेश होता है। तो ये किस प्रकार आया है उसको हम समझते हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है कि यू है, यू का मतलब क्या हो गया? अप क्वार्क कण। अप क्वार्क कण के ऊपर जो आवेश होता है बच्चों वो कितना होता है? प्लस का 2/3। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रोटॉन के पास में कितने हैं? देखो दो तो यू है और एक डी है। ठीक है, तो देखो यू के ऊपर कितना होता है? प्लस का 2/3 आवेश। ठीक है, तो प्लस 2/3 प्लस 2/3, ठीक है, दो बार यू आ गया और एक बार डाउन आ गया। डाउन का कितना आवेश होता है? -1/3। जब इसको आप हल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? लेस पे 3 आ जाएगा, तो 4 - 1, तो ये कितना होता है? 3/3। यानी क्या होगा कि प्रोटोन के ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा बच्चों? प्लस का 1। इसी कारण प्रोटोन के ऊपर प्लस का 1 आवेश होता है, क्योंकि प्रोटोन के पास दो अप क्वार्क कण होते हैं और एक डाउन क्वार्क कण होता है। तो बच्चों देखो डाउन क्वार्क कण का आवेश कितना होता है? -1/3। ठीक है बच्चों, इसी कारण क्या होता है कि प्रोटोन के ऊपर प्लस का 1 आवेश होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन की संरचना किस प्रकार होती है। तो न्यूट्रॉन के पास बच्चों क्या होते हैं कि दो डाउन क्वार्क होते हैं, डाउन कण होते हैं, दो डाउन क्वार्क कण होते हैं और एक अप क्वार्क कण होता है। तो अप क्वार्क कण के कारण 2/3 प्लस का आवेश और दो डाउन क्वार्क के कारण -1/3 आवेश। ठीक है, तो प्लस का 2/3 और माइनस के 1/3 को जब आप जोड़ोगे इस प्रकार, तो आपके पास में जो न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश आता है बच्चों 0 होता है ना, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, तो वो इस कारण होता है क्योंकि उसके पास दो तो डाउन क्वार्क कण होते हैं और एक अप क्वार्क कण होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार क्या होता है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन की उपसंरचना संभव है। ठीक है, तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन की उपसंरचना संभव होती है। अब बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है इसके पास में क्या होता है? एक प्रोटोन होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इसके कारण ये इसकी भी उपसंरचना संभव है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की उपसंरचना संभव नहीं है क्योंकि इसका निर्माण क्वार्क कणों द्वारा नहीं होता। इसलिए हमारा इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।